हिमाचल प्रदेश में लगातार दो दिन बारिश और बर्फबारी के बाद केलांग, कल्पा और समदो में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 8 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। जिला कुल्लू और लाहौल घाटी में हुई ताजा बर्फबारी से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर में 12 से 27 सेंटीमीटर तक हुई बर्फबारी से मनाली लाहौल का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। शनिवार को बसों और छोटे वाहनों की आवाजाही ठप रही। सिर्फ आपातकालीन में 4x4 वाहनों को अनुमति दी गई है। शुक्रवार रात को सिस्सू में 25, कोकसर में 20 और रोहतांग दर्रा में 40 सेंटीमीटर तक ताजा बर्फबारी हुई। लाहौल पुलिस ने पर्यटकों व आम लोगों को अटल टनल होकर आवाजाही न करने की हिदायत दी है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।